हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीता कुमारी सिंह। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मसीहा को देखिए, वो ये नींद से जग गया है और सारा खिलौना इधर उधर फेंक कर वो खेल रहा है। उसको मैंने खिला दिया है और उसका खेलना स्टार्ट हुआ है अभी। तो जितने भी सामान है सब फैलाना ही खेलना होता है तो वो अपना काम कर रहा है और मैं भी इसी मौके का फ़ायदा उठा लेती हूँ। मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ही बिजी है, वो पेन है वहाँ पे ना, तो उस पर लिखने में बहुत बिजी है। तो मैं क्या करती हूँ, उसको वहीं पे छोड़ती हूँ और आ जाती हूँ जल्दी से किचन में। अपने जो थोड़े बहुत काम थे मैं उसको निपटाने के लिए, सारा क्लीनिंग मेरा सब मतलब रह गया था, आटा वगैरह जो रोटी बनाने से, ब्रेकफास्ट तैयार होने से, ऑफिस के टाइम पर जितनी गंदगी होती है और क्या, तो मैं थोड़ा सा व्यवस्थित कर देती हूँ। जैसे बर्तन सारे हैं सब एक साथ सिंक में डाल देती हूँ और किचन को क्लीन कर देती हूँ। तो बस मैं वही काम कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि मसीहा आए तो वो आराम से रह पाए और कोई सामान बर्बाद ना हो। वरना जैसे हाथ से टान के बर्तन सबको नीचे फेंक दे रहा हूँ, कभी कभी खाना वगैरह भी टालना स्टार्ट कर देता है तो वो फैला रहता है, आटा लगा रहता है, तो उसको हाथ से ऐसे ऐसे मतलब मल के पूरा अपने मुँह में लगाना, अपने पूरे शरीर में लगा लेना, उसके बाद मुझे भी लगाना स्टार्ट कर देता है तो इसलिए मैं वो सारा जल्दी जल्दी क्लीन कर रही हूँ। मुझे पता है कि अभी वहाँ से दौड़ती हूँ यहाँ पे आएगा, जैसे ही दिखेगा मम्मा नहीं है, मेरे पास मम्मा नहीं है, बस ये दौड़ करके फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं ये सारा सामान सब क्लीन कर ले रही हूँ, जितनी भी गंदगी इधर उधर फैले हुए हैं वो सारा कर ले रही हूँ। जो रेडी का काम है बस वही है, वही मैं कर रही हूँ। अभी मसीहा खेल रहा, अपना मस्ती कर रहा आराम से, और वो देखते ही रहता है, उसका ध्यान पूरा मेरे ऊपर ही रहता है कि मैं क्या कर रही हूँ, और मैं जहाँ रहती हूँ बस वो वहीं रहता है, और तो कोई है नहीं, अकेले रहती हूँ तो इसलिए मैं जहाँ रहती हूँ वहीं वो रहता है। और मेरा अधिकतर टाइम किचन के पास ही जाता है, और जो कि हर महिला के लिए शायद होता होगा ऐसा। तो यहाँ पे सारी साफ़ सफाई मैंने कर ली है, पता नहीं क्यों वो बहुत दिख रहा था, आवाज़ दे रहा था, तो मैं यहाँ पे देख भी रही हूँ कि वो क्या कर रहा है। पोछा ओछा भी मैं साथ में लगा दे रही हूँ, उसके बाद मैं मसीहा को जूस वगैरह सब पिलाऊंगी और स्नान करवाने के लिए ले जाऊंगी। तो इतने ही बस काम है, जब तक वो सोता नहीं है तो मैं और दूसरा काम पे लग नहीं सकती हूँ। तो यहाँ सारा मेरा जब क्लीन कंप्लीट हो ही गया है, ऑलमोस्ट हो गया है ये रहा, तो अब मैं वॉशरूम के अंदर जाऊंगी ये कंप्लीट हो जाने के बाद, क्योंकि सुबह मैंने जब पोछा मार करके पोछा धोया नहीं था, ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रही थी। तो मैं आ गई यहाँ पर वॉशरूम में, जो क्लीनर है उसको मैं वॉश कर दे रही हूँ। ये कल मैंने नया मंगवाया है, मेरा जो पुराना वाला था वो कल टूट गया, तो मैं को कल हाथ से पूरा पोछा मारना पड़ा था, और आज ये नया वाला है तो उसको दिखा भी दिया मैंने थोड़ा सा तो मैं क्लीन कर रही हूँ यहाँ पे, उसको अच्छा से साफ करके पोछा लेने के बाद उसके बाद इसको भी साफ़ करके रखना पड़ता है, वरना पोछा देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको मैं क्लीन करके रख दे रही हूँ। अब मैं यहाँ मसीहा को नहलाने के बाद लेकर के आई हूँ, तो वो अपने दादाजी को प्रणाम कर रहा है स्नान करने के बाद प्रणाम कर रहा है वो सो क्यूट। प्रणाम करना हो गया है, अब सैतानी स्टार्ट है उसका। ये रहा दरवाजा की तरफ देख रहा है, चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, हाय बोल रहा है, उसको पता चल गया है कि मैं मोबाइल में वीडियो बना रही हूँ, तो हाय बोल रहा है सबको और बहुत हैप्पी हो रहा है कि मेरा वीडियो बन रहा है तो मसीहा का नहाना भी हो गया है, अपने चेयर में बैठा है और मस्ती कर रहा है। जितने भी खिलौने सारे पड़े हुए हैं इसके, तो मैंने फिर से देखा, अपना मौका का फ़ायदा फिर से उठाया, मैंने देखा कि वो बिजी है तो मैं किचन में आ गई। ये जो डब्बे हैं, ये सारे डब्बे में वो कभी इसको चेयर बना के बैठता है, तो कभी इसको सीढ़ी बना लेता है, इसके ऊपर चढ़ के रेक का सारा सामान नीचे फेंकता है ये सब को टांग टांग के निकाल के, तो मुझे इन सब को भी साफ़ रखना पड़ता है, तो मैं एक एक करके साफ़ कर दे रही हूँ। क्योंकि जब किचन में रहता है ना, तो ये सब उसके खिलौने हो जाते हैं, ये सारे डब्बे एक एक करके बाहर निकाल देता है, तो डब्बों के ऊपर डब्बे चढ़ाना, तो कभी डब्बे के ऊपर खुद चढ़ जाना, कभी उसको चेयर बनाकर बैठना, कभी उससे गिरता भी है, रोता है, उसके बाद मैं दोबारा बोलती हूँ थोड़ा सा बैठ जाए इसमें, तो भागेगा, उस पर बैठता नहीं है, तब उसको सब याद रहता है कुछ पल के लिए कि अरे इसमें तो मैं इससे मैं गिरा था,
लेकिन फिर भूल भी जाता है, बच्चे ऐसे ही होते हैं। एक्चुअली हमारा भी ज़िंदगी है ना, ऐसे ही होना चाहिए, बच्चों की तरह मन होना चाहिए हमारा, तो कितना अच्छा होता ना, हम लोग तुरंत कोई हमें तकलीफ देता और हम उसको तुरंत भूल जाते, फिर वैसा ही प्यार करने लगते। शायद हम ऐसा अगर अपने मन को बना पाए ना, तो लाइफ बहुत ईजी हो जाएगा। तो ऐसे ही हैं बच्चे। मसीहा से मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, सच बोलूँ तो बचपन भी बहुत याद आती है और बहुत अच्छा होता है बचपन जो होता है ना, बहुत प्यारा होता है, कोई ईगो नहीं होता उसमें। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर की हूँ, ये आईब्रो बनाने के लिए मैं ऑनलाइन मंगवाई थी, पार्लर में जाती नहीं हूँ। जब मैं मायके जाती हूँ तो मेरी बहन से मैं बनवा लेती हूँ आईब्रो, तो इस बीच मेरे 2-3 मंथ हो गए हैं मैंने आईब्रो बनाया ही नहीं है, तो अब तो कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। तो मैंने इसको ऑनलाइन मंगवाया है, अभी तक मैंने इसे ट्राई नहीं किया है, तो एक वीडियो मैं शेयर करूँगी जब मैं इसे ट्राई करूँगी तब। तो ये मेरे हाथ में देख रहे हो ब्लैक ब्लैक जो आ गया, ये गर्म पानी गिर गया था मेरे हाथ में, कैसा स्पॉट हो गया है। और मैं शेयर की हूँ आप लोग के साथ, मैंने जियो मार्ट से कुछ मंगवाया था तो वो शेयर किया है, तो देख लीजिए आप भी लोग क्या है। मैं जियो मार्ट से, हम लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग किया है, देखिए मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने शॉपिंग किया है वो है सर्फ एक्सेल। मैंने सर्फ एक्सेल 2 पैकेट मंगवाए हैं, रिफिल वाला जो होता है ना वो वाला, और भी हम लोग मतलब बीच में जब भी हमें कुछ ज़रूरत होती है ना तो हम लोग मंगवाते ही रहते हैं, जियो मार्ट से ही मंगवाते हैं, जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है, डोर पे आकर भी पूरा दे करके जाते हैं। तो मुझे लगा कि चलो शेयर कर देती हूँ, ये फ्रंट लोड वाली जो है लिक्विड वाली होती है ना, वो लिक्विड वाली ही, और ये रिफिल है, बहुत अच्छी क्लीन होती है, इसका जो स्मेल है ना वो मुझे बहुत पसंद है बहुत ज़्यादा। अब ये 2 पैकेट आ जाता है तो अपना आराम से छुट्टी हो जाता है, बार बार मंगवाने की ज़रूरत नहीं होती है। और जियो मार्ट में तो ऑफ़र भी चलते रहते हैं, तो हम लोग वो ऑफ़र का भी फ़ायदा लेते रहते हैं। तो फिर से मैं किचन में आ गई हूँ और मैं बना रही हूँ यहाँ पे आटे का हलवा, जो मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे कढ़ाई फ्राई पैन जो है वो गर्म हो चुकी है, तो मैं इसमें घी डाल रही हूँ, और मैं थोड़ा सा ज़्यादा घी खाती हूँ जैसा कि पता है, मुझे पसंद है बहुत। और हलवे में तो मतलब ज़्यादा करके उसमें ज़्यादा घी ना हो तो मुझे खाने का कोई टेस्ट नहीं आता है, तो मैं यहाँ पे घी थोड़ा ज़्यादा लूँगी और आटा एकदम थोड़ा सा लूँगी, क्योंकि आटे का हलवा का ना यही बात है कि एकदम थोड़ा सा आटा लो और ये है ना मतलब बहुत ज़्यादा बन जाता है पानी डालने के बाद जब बनता है, तो इसकी जो मात्रा है ना वो बढ़ जाती है। तो ये मैं यहाँ पे आटा को डाल करके अच्छे से मिला रही हूँ और मैं इसको अच्छे से भूनूंगी, इसका कलर जो है ना वो धीरे धीरे खुद ही चेंज हो जाएगा। तो जब ये कलर चेंज हो जाएगा तब हमें समझ लेना पड़ेगा कि फ्राई हो चुकी है, हलवा बनने के लिए रेडी है। तो मैं यहाँ पे अच्छे से मिला दे रही हूँ और घी जो है ना वो आटे में मिलने लगेगी और वो पूरा लिक्विड बेस पे आ जाएगी, पूरा लिक्विड हो जाएगी देखने में। तो ऐसे ही इसको चलाते रहना है, मगर इसको छोड़ना नहीं है और गांठें ना नहीं पड़ती हैं। अगर हम लोग इस तरह से बनाएं आटा का हलवा तो एक भी गांठ नहीं आती आटा का हलवा में, और इतना टेस्टी होता है, इतना यम्मी होता है, मुझे बहुत पसंद है, अक्सर हम लोग खाया करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, तब तक यहाँ पे मैंने दूध भी चढ़ा रखा है, आप चाहे तो पानी भी दे सकते हैं, पानी भी यूज़ किया जाता है, पानी से भी टेस्टी बनता है। तो दूध बची हुई थी, ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने दूध का ही यूज़ किया है। और यहाँ पे देखिए आप खुद ही देख सकते हैं कि फ्राई करते करते इसकी जो कलर है वो थोड़ा ब्राउन पे आ गई है, और थोड़ा सा मैं ब्राउन करूँगी, जलाना नहीं है, तो जितना मतलब लगे कि हाँ अब जलेगा नहीं तो करना है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लग रहा है कि ब्राउन ज़्यादा हो गया, तो मैं इसमें अब चीनी डाल दूँगी। चीनी डाल करके मैं फ्राई नहीं करती हूँ, मैं चीनी डाल करके ही डायरेक्ट दूध डाल देती हूँ, मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ इसको, क्योंकि मुझे चीनी का फ्राई पसंद नहीं है, मुझे जब वो बिना फ्राई का ही जो टेस्ट आता है ना वो मुझे पसंद आता है, इसलिए मैं यहाँ पे फ्राई नहीं करती हूँ, जस्ट चीनी डालने के बाद ही मैं इसको मिक्स करती हूँ, और मिक्स करके ही मैं यहाँ पे दूध डाल दे रही हूँ। अब इस यहाँ पे भी एक ट्रिक्स है कि डालने के बाद इसको अच्छे से आपको चलाना है, तब तक चलाना है जब तक घी जो है आटे से अलग बाहर ना आ जाए, जब ऐसा हो जाएगा तो समझिएगा आपका यम्मी वाला आटा का हलवा तैयार है। तो मैं यहाँ पे इसको अच्छे से मिला लूँगी, एकदम अच्छे से दूध डाला है तो थोड़ा सावधानी से उस टाइम डालना पड़ता है, वरना
ऊपर आने के जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो एकदम अच्छे से मिलाते रहना। अभी जो टाइम है यहाँ पे कंटिन्यू हमें चलाना है। तो ये अच्छे से पूरा फ्राई हो गया और देखने में भी बहुत ही अमीर लग रहा है, लग रहा है कब बन जाए और कब खा लूँ। तो यहाँ रेडी हो गया हमारा आटे का हलवा। देखिए अभी कुछ देर में ही दिखाई देगी घी जो है अलग साइड से, ये रहा, ये देखिए साइड में घी दिखाई दे रही है ना। तो ये जब तक नहीं हो ना तो हलवा का मज़ा नहीं है खाकर। जब इस तरह से हो जाए ना तो समझो कि आटा का हलवा बहुत टेस्टी यम्मी बना है। तो हमारा बन गया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर न्यू है तो।